नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से प्रश्न लेकर मैं आई हूँ। ये प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आप यहाँ देख सकते हैं हर प्रश्न के नीचे लिखा हुआ है कि किस परीक्षा में और किस साल ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं? तो जिसके तरफ संकेत किया गया है वे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पर शुक्ल जी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो आदिकाल को साहित्य इतिहास के जो लेखक थे उसमें से चारण काल कहने वाले राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन पहला अशुद्ध होगा विज वपन काल, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, तो इसलिए ऑप्शन पहला यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। और सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन जी ने कहा था, संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहने वाले जो आचार्य थे वे थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? उसी प्रश्न को देखिए किस प्रकार से पूछा गया है कि आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नामकरण किया। अब अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए मैं सभी प्रश्नों को एक जैसा प्रश्न है फिर भी मैं ली हूँ, थोड़ा सा शब्दों में अंतर है ताकि आपको पता चल सके कि प्रश्न कैसे बनते हैं, एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आइए, इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने वाले जो आचार्य थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किनके द्वारा दिया गया है? तो सिद्ध सामंत काल नाम जो दिया गया है वो है डॉक्टर राहुल संकृत्यायन के अनुसार सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न, आदिकाल के सिद्ध सामंत काल कहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यायन जी ने कहा है। फिर उसी प्रश्न को देखिए यहाँ पर कैसे पूछ रहा है,
हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध काल नाम कहने वाले विद्वान का नाम देखिए यहाँ पर कैसे दे रहा है। सेम प्रश्न वही है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीज वपन काल नाम किसने दिया? तो वीज वपन काल नाम देने वाले जो आचार्य थे वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने आदिकाल को वीज वपन काल नाम दिया। अब अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीज वपन काल नामकरण किसने किया? तो यहाँ पर भी होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल नाम देने वाले जो आचार्य थे, विद्वान थे, वे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो आदिकाल का नाम इसमें से वीर गाथा काल नाम है, चारण काल नाम है, सिद्ध सामंत काल नाम है और गद्य काल, ये आदिकाल का नाम नहीं है। गद्य काल आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आदिकाल का नाम नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया था? तो आरंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया था, प्रारंभिक काल नाम किसी ने नहीं दिया है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर आरंभिक काल होता तो मिश्र बंधु होते, लेकिन यहाँ प्रारंभिक काल पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसके उत्तर को आप सभी के लिए मैं छोड़ती हूँ कि इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं तो उसे आयोग के तरफ से गलत साबित किया जाता है, क्योंकि प्रारंभिक काल किसी ने नहीं कहा है। तो चलें अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं वे हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी, यह मान्यता किस विद्वान का है? तो यह मान्यता है, विद्वान है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थयाल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथाकाल कहा था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था आदिकाल को? इन्होंने आदिकाल कहा था। राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु जो थे वे प्रारंभिक काल कहे थे, मिश्र बंधु आरंभिक काल। इसी से रिलेटेड अभी जो हमने प्रश्न दिया, एक प्रश्न किया था तो उसमें था प्रारंभिक काल, लेकिन मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा था। वैसे दोनों का अर्थ एक ही है, फिर भी तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो है वह है पाली। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है,
अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास, शालीभद्र सूरी की रचना का नाम है, तो शालीभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही प्रश्न को तीन तरीके से कैसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शालीभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ढोला मारूड़ा दुहा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाले जो विद्वान थे वे थे पतंजलि। अगला प्रश्न है, अवहट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट में शिक्षा शब्द के लिए सिखा शब्द रूप मिलता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये प्रश्न कट गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। राहुल संगीत्यायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोष की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सरहपाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा के योगियों का नहीं बल्कि योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पुतलिपा। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद को माना गया है, या इन्हीं को सरहपा भी कहते हैं और सरहपाद नाम से भी जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के किससे इतिहासकार के मतानुसार शालीभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि, तो सिद्धों का प्रथम कवि जो है वे हैं सरहपा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो प्रथम जो है वही पुराने भी होंगे, तो वे हैं सरहपा। प्रश्न संख्या 39, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है पंडित राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न पुनः रिपीट हुआ है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपा को। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सरहपा को। प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये मानने वाले जो हैं वे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सहजयान के प्रवर्तक हैं, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। अगला प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सरहपाद से। अगला प्रश्न है, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है?
पुष्पया पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले आलोचक है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सिद्धों एवं नाथों में, तो सिद्धों एवं नाथों में दोनों ऑप्शन सही होगा, सरप्पा और मसंदर नाथ, ये नाथ में थे और ये सिद्ध दोनों से पूछा जा रहा है। तो सरहप्पा और तथा नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। ऐसे भी माना जाता है कि सरहप्पा और नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं, लेकिन ये दो संप्रदाय से पूछ रहा है तो ये और भी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहने वाले जो आचार्य हैं वे हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, प्रकृत को प्रकृताभास हिंदी से आशय है, प्रकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है और 2019 में सेकंड पाली में यानी दूसरी पाली में जो परीक्षा हुई थी प्रवक्ता की, उसी में पूछे गए ये प्रश्न है। सभी प्रश्न के नीचे आपको नीचे दिख रहा होगा ये प्रश्न कब पूछे गए हैं और किस साल पूछे गए हैं। जैसे अभी मैं प्रश्न संख्या 51 लेने वाली हूँ, तो ये प्रश्न केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आए हुए प्रश्न है। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो आदिकाल के अंतर्गत रखने वाले जो विद्वान हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे हर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर प्रश्न परीक्षाओं में पुनः रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप हल्के में बिल्कुल ना लें क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो चले इसके उत्तर को देखते हैं कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, वे हैं राजा मुंज। राजा मुंज को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।